हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरणी नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नोरसेट प्री का एग्जाम बहुत शानदार, बहुत ही गजब का पेपर आया था और मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि नोरसेट प्री का जो पेपर है अपने यूट्यूब चैनल पर जो समर्पित सीरीज चल रही है और आपकी पी वाई क्यू सीरीज चल रही है आरंभ वाली, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े थे वो स्टूडेंट्स काफ़ी इस चीज़ से खुश हैं कि आर एन यू नर्सिंग क्लासेस के इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतने शानदार आउटपुट आ रहे हैं। तो मानना पड़ेगा आप लोगों का प्यार और स्नेह जो है वो हमें आगे तक पहुँचा रहा है। ठीक है, तो नोरसेट प्री का पेपर आई थिंक आपका बहुत शानदार हुआ होगा और नोरसेट प्री के अंदर आपको पता है कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि नोरसेट ने आपके साथ किस तरीके से धोखा किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ सामने शेयर कर रहा हूँ। देखो, आपको ये बोला गया था कि नोरसेट प्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, देखा जाए तो वहाँ पे भी सीनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गए। तो आज का अपना टॉपिक वही चीज़ है, उसी चीज़ के बारे में आज अपन विश्लेषण करने आए हैं, इसी चीज़ के बारे में मंथन करने आए हैं कि आगे की स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएं और किस तरीके से अपने आप को एक सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर बनाएं। उसके लिए नोरसेट एग्जाम के साथ में जो मेंस एग्जाम है उसके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो अभी अपना जो समय है उस समय को खराब नहीं करना है। नोरसेट जो मेंस है उस मेंस की तैयारी में जुट जाना है। एक एक दिन, एक एक आवर, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपके लिए कीमती है, क्योंकि जहाँ पे आप कहीं ना कहीं सो रहे हो वहाँ पे हजारों बच्चे रात दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों का सिलेक्शन श्योर होना है। तो आपको भी जागने की ज़रूरत है और स्टार्ट करना है अपना टारगेट। जो आर एन यू नर्सिंग परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके लिए आर एन यू परिवार जो है वो शानदार वाला एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया है, जिसके अंदर नोरसेट मेंस की आज पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें नोरसेट के साथ में जुड़ना है। तो नोरसेट मेंस के लिए मैं आपको बता दूं, नोरसेट मेंस का सबसे पहले तो यदि हम बात करें कि नोरसेट मेंस अपना उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, नोरसेट मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की बात करें अपन तो आपको पता है कि चार सेक्शन होंगे, टोटल कितने होंगे, चार सेक्शन के अंदर आपको पता है कि 40-40 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 40-40 क्वेश्चन आएंगे और टाइम होगा इसके लिए 45 मिनट। ये सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड होंगे। कैसे होंगे? सिनेरियो बेस्ड का मतलब ये होगा कि मान लो आपसे ये बोला जाएगा कि एक पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उसके अंदर उसके ये दिक्कत है, तो आपको किस चीज़ क्या असेसमेंट करना होगा, क्या केयर देनी करनी होगी, क्या उसको एक्सपेक्ट करना होगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि डॉक्टर उसको क्या एडवाइस करेगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होंगे? आपके सीनेरियो बेस्ड होंगे। अब ये जो है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेंगे। किसके लिए? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यानी जो अभी पास आउट हुए हैं जिनको हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी इन क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कई बार डायग्राम भी पूछ लेता है, डायग्राम का प्लेसमेंट का वीडियो डाल देते हैं कि ये जो है अम्बुबैग ऐसे लगा रहे हैं, क्या सही है या गलत है। चलो, आपने बुक्स में पढ़ा है कि अम्बुबैग अपन अप्लाई करते हैं तो वो सही है या गलत है, वो चीज़ें जो है ना आपसे पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी, उसकी वजह से जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या हो सकती है, थोड़ी टेंशन पैदा कर सकता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम आए आपके सामने इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए और इन्हीं सवालों के जवाब आपको देने के लिए हम आए हैं आपके सामने आर एन यू नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ कि नोरसेट जो है, मेंस जो है, वो नोरसेट की मेंस की एग्जाम आने वाली है, बहुत ही कम समय है, इस समय के अंदर अपने आप को किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो नोरसेट मेंस के लिए सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए इस चीज़ का नॉलेज कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हम उसके लिए प्रिपेयर होंगे, किस तरीके से उसको हम हैंडल करेंगे। आपको दिमाग में ये नहीं सोचना है कि मेरा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मैं नोरसेट की तैयारी करूं या ना करूं। पहला सवाल ये आता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, नोरसेट की तैयारी मैं करूं या ना करूं। देखो, ऐसा है, आपने अपना काम करना है, नहीं हुआ तो भी इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि आगे और एग्जाम आने वाली है। आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ गया, RRB रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया, GMCH का आने वाला है, इसके अलावा काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिनके आपने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। तो आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज वेस्ट नहीं जाने वाला। यदि मान लो बाई चांस नोरसेट आपका क्लियर नहीं भी हुआ है, उन स्टूडेंट्स को
जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए हम मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाई चांस यदि मान लो आपका नोरसेट का पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है, उस सिचुएशन के अंदर आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, यहीं पे स्टॉप नहीं करना है। क्योंकि देखो नर्सिंग का जो है देखा जाए तो एक सागर की तरह, समुद्र की तरह है नॉलेज, और देखा जाए तो बुक्स के अंदर सीमित है। आपको पता है किसी ने ये बोला है कि आप टारगेट हाई की बुक पढ़ लो या फिर पीआर यादव की बुक पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई उस टारगेट हाई वाले ने, बनाने वाले जो राइटर हैं, उन्होंने ये तो सोचा होगा ना कि हमको क्या कंटेंट देना है जिससे नर्सिंग जो है वो कंप्लीट उसी में आ जाए। देखा जाए तो एक बुक है, उस एक बुक को आपको रिपीट एंड रिवाइज करना है और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो देखा जाए तो एक लिमिटेड सिलेबस भी है, उसके बाद में आप चलते हो एनक्लेक्स पढ़ोगे, मोजबी पढ़ोगे, सोंडर्स पढ़ोगे, लिपिन कोट पढ़ोगे, सारी की सारी क्या है, आगे एक सागर को समुद्र की तरह क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो आपने क्या है कि प्री के अंदर तो आपने सारी चीज़ें कर ली, अब आपको क्या होगा, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब सर सवाल ये आता है कि ये जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इनका सॉल्यूशन हम कहाँ से देखें, क्या करें, कहाँ से पढ़ें इसके लिए? तो मैं आप लोगों को इस चीज़ का जवाब देने के लिए आऊँ कि हमने क्या किया है, हमारी जो एप्लीकेशन है आरएनयू नर्सिंग एप्लीकेशन, ये आरएनयू नर्सिंग एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसी के साथ में हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के अंदर पहले से ही एक आज़ाद बैच चल रहा है, 12 महीने की टेस्ट सीरीज है। इस 12 महीने की टेस्ट सीरीज में आपको पर डे 2 टेस्ट मिलने वाले हैं। और यदि हम बात करें कि नोरसेट मेंस के लिए हमने क्या किया है, तो नोरसेट मेंस के लिए आज से ही हमने क्या किया है, 160 क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड हैं, सीनेरियो टोटल सीनेरियो बेस्ड होंगे। और मैं तो आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप सीनेरियो पे मत जाओ, क्योंकि नोरसेट का भरोसा नहीं है, नोरसेट आपको कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको रेडी रहना है वन लाइनर क्वेश्चन के लिए भी और सीनेरियो बेस के लिए भी। अब सर बात ये आ रही है कि 160 क्वेश्चन जो है ये हमने हमारे आज़ाद बैच के अंदर एक टेस्ट टिल एग्जाम, नोरसेट मेंस के एग्जाम तक एक टेस्ट पर डे अपलोड होगा, जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, सीनेरियो बेस होंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस होंगे, यानी हॉस्पिटल क्लिनिकल बेस होने वाले हैं। अब सर सवाल ये आता है कि क्या पता कि नोरसेट ने धोखा हमारे साथ में कर लिया और हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाए। उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आज़ाद बैच है इसमें दिल्ली आपको मिलने वाले हैं 2 टेस्ट। कितने मिलने वाले हैं? 2 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें एक में तो होंगे आपके 100 क्वेश्चन, वो जनरल क्वेश्चन होंगे और सभी एग्जाम्स के लिए ये वैलिड होगा। ये जो क्वेश्चन हैं वो क्या होंगे, सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड होंगे। चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये ले सकते हो, चाहे आप जीएमसीएच की तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये ले सकते हो, चाहे आप नोरसेट की तैयारी, अगली नोरसेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये ले सकते हो, या फिर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये ले सकते हो, ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये ले सकते हो। इसमें हमने जो क्वेश्चन डाले हैं वो कॉमन क्वेश्चन डाले हैं। तो मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज़ाद बैच में ये जो 160 क्वेश्चन मेंस के लिए आने वाले हैं, ये मेंस के लिए हमने इस बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए, इन बच्चों के लिए क्या किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। देखो आपके पास में भैया बहुत सारा बहुत अच्छा पैसा है तो यही टेस्ट सीरीज आप 5-6 हज़ार रुपये में खरीद सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें उन स्टूडेंट्स तक ये टेस्ट सीरीज पहुँचानी है जो घर में बैठे हैं, जो किसी कारणवश किसी कोचिंग के अंदर कोचिंग नहीं कर पा रहे और उनका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, उन स्टूडेंट्स तक हम ये जो है वो हमारा मटेरियल पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये जो मटेरियल है टिल एग्जाम मेंस के एग्जाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इस बैच के साथ में। आज़ाद बैच आप यदि रजिस्टर करते हो जिसकी प्राइस जो है वो 1100 रुपये है, इसके अंदर भी आपको डिस्काउंट अवेलेबल है, इसका भी डिस्काउंट अवेलेबल है। यदि आप ये वीडियो देख के एप्लीकेशन पे जा रहे हो तो इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके बारे में आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कूपन कोड दिया जाएगा। तो आपने क्या किया, दिल्ली टेस्ट सीरीज में एक तो मेन जो नोरसेट है उस नोरसेट मेंस के लिए, नोरसेट मेंस के लिए 160 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसी के साथ में दिल्ली 100 क्वेश्चन का आपको एमसीक्यू मिलेगा। प्लस यदि आज आप रजिस्टर करते हो तो 12 महीने तक आपको किसी भी कहीं से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी इसी टेस्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट क्वेश्चन कवर होंगे। और आपको ये भी सोचना नहीं है, ये भी टेंशन वाली बात नहीं है कि सर हम तो चलो ठीक है नोरसेट की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी के एग्जाम आ गई तो आरआरबी का तो पैटर्न अलग होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास में है कि जैसे आरआरबी की एग्जाम जो है वो अनाउंस हो जाएगी तो ये नोरसेट मेंस का पेपर हट जाएगा, ये एग्जाम होती इसकी जगह जो रिसेंट एग्जाम आएगी, जैसे मान लो आरआरबी की एग्जाम आ गई,
तो आरआरबी के पेपर आपको दूसरा जो सेकंड वाला पेपर है वो देखने को मिलेगा। अब कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना है, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो कल डेट है कितनी, 17/9, ठीक है, 17 तारीख है। 17 तारीख को मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में आपको 100 क्वेश्चन वाली टेस्ट देना है, एक तो 100 क्वेश्चन की टेस्ट देनी है। अब सर इवनिंग में क्या करना है हमको, इवनिंग के अंदर उसी के अंदर आपको 160 क्वेश्चन की नोरसेट मेंस 17.9 नाम का टेस्ट होगा, जो टोटल सिनेरियो बेस्ड होगा, ठीक है। अब सर ये बात है कि नोरसेट की एग्ज़ाम मान लो 1 मंथ के अंदर हो गई, 1 मंथ के बाद में भी क्या ये टेस्ट मिलेगा क्या हमारे को, यदि आज़ाद बैच रजिस्टर करते हैं तो क्या बाद में भी ये टेस्ट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये हट जाएगा, आपका नोरसेट मेंस हट जाएगा। और मान लो कि वहाँ पे आरआरबी की एग्ज़ाम आ गई है, रेलवे की वो एग्ज़ाम आ गई है, तो ये शाम वाला जो टेस्ट है, ये शाम वाला टेस्ट आपको रेलवे आरआरबी का मिलेगा, आरआरबी के पैटर्न पे मिलेगा कंप्लीट, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी। और ये जो टेस्ट है वो कंटिन्यू चलता रहेगा आपको 12 महीने तक, ये तो 12 मंथ तक आपको मिलना ही मिलना है। और इसके अलावा जो भी रिसेंट एग्ज़ाम आएंगी उसमें चेंजेज इसमें होंगे, टाइम टाइम पे ये अपडेट होता रहेगा। यानी नोरसेट आ रहा है तो मेंस का नोरसेट का आ गया, आरआरबी आ गई तो उसके हिसाब से हो गया, एसजीपीजीआई आ गया तो उसके हिसाब से हो गया, और इसके अलावा मान लो ईएसआईसी कोई भी एग्ज़ाम आती है तो ये टेस्ट चेंज होता रहेगा। और 12 महीने तक एक बार आपको पेमेंट करना है, 12 महीने तक ये टेस्ट। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को मतलब प्रचार और ज़्यादा बढ़ाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जैसे ही एप्लीकेशन पे जाओगे, एप्लीकेशन पे डेमो टेस्ट सीरीज पड़ी है, वहाँ पे जाके एक बार आप देख लें, उससे भी शानदार और बेहतरीन जो डे बाय डे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इंडिया के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतने कम प्राइसेस के अंदर इतनी शानदार टेस्ट सीरीज। क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरीके से हर एक बुक्स को रेफ़र करके, हर एक बुक्स के आंसर जो हैं उनको रेफ़र करके विथ रेशनल आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मेरा मानना यह है, यदि मान लो आप नोरसेट की एग्ज़ाम कर रहे हो या फिर आपका प्लान है पूरे 12 महीने की टेस्ट सीरीज को हैंडल करने का, पूरे 12 महीने की यदि टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, प्लस साथ में जो रिसेंट एग्ज़ाम आने वाली हैं यदि उनकी भी आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो, तो वेट नहीं करना है, तुरंत आरएनयू नर्सिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाएँ, प्ले स्टोर पर जाके आप इस बैच आज़ाद बैच को वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करें कि आपका वीडियो देख के हम आएँ, तो वहाँ से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसके अंदर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊँ, यदि आपके पास में एप्पल आईफोन है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको हमारी जो एप्लीकेशन आरएनयू नर्सिंग का, वो एप्लीकेशन का लिंक अलग से सेंड किया जाएगा, ये लिंक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यदि एप्पल आईफोन आप यदि यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से लिंक दिया जाएगा, वो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी दिला सकता हूँ, इतना शानदार टेस्ट सीरीज इतनी कम प्राइस में कहीं नहीं मिलने वाला, वो 12 महीने के लिए पर डे 2 टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको 200 क्वेश्चन एवरेज पर डे मिल रहा है। तो इतने क्वेश्चन तो 12 महीने में यदि आप कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको। इसी के साथ में यदि मान लो कि सवाल ये आता है कि सर मेरे पास तो डेली टेस्ट देने को टाइम नहीं मिला हो, क्या आपका टेस्ट दूसरे दिन भी ओपन रहेगा? भैया आपको जब टाइम मिले तभी आप टेस्ट दे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्ट को आप एक बार दे पाएंगे, एक बार देने के बाद में आप सॉल्यूशन चाहे जितनी बार देख सकते हो, सॉल्यूशन देखने की कोई रोक टोक नहीं है, टेस्ट सिर्फ आप एक बार अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको अपनी नोरसेट मेंस के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ में ऐसे ही शानदार और ऑफर के लिए। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अपने सपनों को यदि साकार करना है तो बने रहिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के साथ में। आरएनयू के साथ में आप जुड़ के देखो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम सब चीज़ें यहाँ पे अपडेटेड मिलती है। और यदि मान लो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यदि मान लो आपको यदि क्लासेस लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप एप्लीकेशन पे वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे 2 सीरीज चल रही है ऑलरेडी, एक आरंभ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और दूसरी है समर्पित सीरीज, जो कि किसकी है, साइकेट्रिक की सीरीज है। और कुछ ही टाइम में उत्साह सीरीज आने वाली है, वो आएगी आपकी किसकी और पीडियाट्रिक्स की, ठीक है। ये सारी सीरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, तो बने रहे हमारे साथ में।
जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपके साथ में आरएनयू नर्सिंग क्लासेज है, और ऐसे ऐसे शानदार ऑफर लेने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें आरएनयू नर्सिंग क्लासेज। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।